मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैं आपको टॉप वेबसाइट बताई थी जहां से क्या फ्रीलांसिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। उसमें से एक वेबसाइट का नाम था पीपल पर आवर। आज की वीडियो में हम उसी वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। आपको कंप्लीट गाइड दूंगा, ट्यूटोरियल बनाऊंगा और बाकी की जो वेबसाइट है और वेबसाइट भी काफ़ी सारी बताई थी उस वीडियो के अंदर, उन सभी के बारे में भी आपको वन बाय वन ट्यूटोरियल में अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, टॉप 10 ऐसी कौन सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, तो उसकी लिंक जो है वीडियो के वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाके चेक कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। आज बात करते हैं पीपल पर आवर का कंप्लीट ट्यूटोरियल। हेलो गाइज, दिस इज रेद उपाध्याय, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं, तो लेट गेट स्टार्ट। जैसे कि अभी हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखिए मैंने सर्च किया है गूगल के ऊपर पीपल पर आवर, यहाँ पे फर्स्ट पे आपको वो वेबसाइट दिख जाएगी। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, अगर आपको नहीं मिले तो वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपकी ओपन हो चुकी है जिसका नाम है पीपल पर आवर। इस वेबसाइट के ऊपर आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे अलग अलग काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, कंटेंट राइटिंग, SEO, वेब डेवलपमेंट, लोगो डिज़ाइन, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी यहाँ पे आ सकते हैं, इलस्ट्रेशन एंड ड्रॉइंग्स वगैरह काम भी आप ले सकते हैं ऑनलाइन। तो ये तो मैंने कुछ नाम बताया जो हाईलाइट हैं, जो मोस्ट पॉपुलर हैं। अगर आप जाएंगे अंदर और कैटेगरी के साथ जाएंगे तो देखिए किस किस टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस देके रखे हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ईमेल टेम्पलेट डेवलपमेंट, CMS डेवलपमेंट, उसके साथ ही राइटिंग करने जाएंगे, ट्रांसलेशन वगैरह हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, क्रिएटिव राइटिंग, गोस्ट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, बिजनेस राइटिंग, कॉपी राइटिंग, डिज़ाइनिंग के अंदर जाएंगे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, एनिमेशंस, बहुत मतलब भरा पड़ा है। अगर आप म्यूजिक एंड ऑडियो के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो DJ वगैरह हैं, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, वॉइस ओवर, म्यूजिक राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग, हर एक चीज़ यहाँ मिल जाएगी। साथ ही साथ इतना ही नहीं, अगर वीडियो, फोटो और इमेजेस के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियोग्राफी हो गई और इमेज एडिटिंग हो गई, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग हो गई, अगर आपको आता है तो वो भी कर सकते हैं आप। साथ ही साथ और जाएंगे, अगर मार्केटिंग का कुछ काम करते हैं, आपने MBA करके रखा है और आप सेल्स एंड कॉल्स कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं, फंड रेजिंग कर सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप कर सकते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे, उसके बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आपको यहाँ पे 150 से ज़्यादा कैटेगरी मिल जाएंगी जहाँ से कि आप पीपल पर आवर नाम की वेबसाइट से इजीली फ्रीलांसिंग के ऊपर वर्क लेके काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को अगर आपको काम नहीं करना है तो कुछ नहीं, मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार वेबसाइट को जाकर चेक जरूर करें, आपको नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से फ्रीलांसिंग वर्क होता है, किस तरह से आप घर बैठे बैठे आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग काम ले सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं करनी लेकिन उसका नॉलेज आपको हो, आज का टाइम ऑनलाइन ही ज़माना है, ऑनलाइन ही चलने वाला है, तो किस तरह से आप घर बैठे काम कर सकते हैं और क्या क्या आइडियाज़ वगैरह होते हैं, किस तरह से आप काम को ले सकते हैं, कैसे डिलीवर कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको एटलीस्ट गाइडेंस तो हो जाएगा। एटलीस्ट आपके नहीं तो किसी और का काम आएगा, आप किसी और को सजेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये 150 से ज़्यादा कैटेगरी है, एक कैटेगरी आपके लिए होने ही वाली है, क्योंकि कोई बंदा ऐसा नहीं उसको 150 के अंदर कुछ भी नहीं आता हो, बी ऑनेस्ट ऐसा कोई बंदा होगा ही नहीं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो पार्टनर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, CNBC है, फॉर्ब्स है, BBC है, बिजनेस इंसाइडर है, तो काफ़ी अच्छी और जेन्युइन वेबसाइट है, बड़ी कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, पेमेंट भी टाइम पे आता है। ठीक है, तो वेबसाइट को जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। अब बात करते हैं कि हमको यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है फ्रीलांसर का, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो साइट है वो ओपन होगी, इसके ऊपर लिखा है आई वॉन्ट टू वर्क एज ए फ्रीलांसर। अब क्लिक करेंगे यहाँ पे, जिसे यहाँ क्लिक किया अब जाएंगे नीचे, यहाँ पे क्या करना है, साइन अप विद ईमेल, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, डिटेल्स देनी है। मैं फटाफट से डिटेल दे देता हूँ, ये मेरा डमी अकाउंट है, तो आपको जो कुछ भी डिटेल देनी है वो कम्प्लीटली और अच्छे से देनी है। साइनअप करने के बाद यहाँ पे आपको जीमेल खोल देना है, कि हो सकता है यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन मांगे, तो हाँ वेरिफिकेशन आया है यहाँ पे, इसको ओपन करके यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, आपको जाना है नीचे, यहाँ पे आपको प्रोफाइल फ़ोटो आपकी जो है वो ऐड करनी कंपलसरी होती है। ठीक है, तो आपको जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो ऐड करना ही करना है और अच्छे से ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे JPG फाइल ही चलेगी, तो मैं अच्छे से कुछ JPG फाइल डाल देता हूँ, PNG डाल दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे डालना है आपको जॉब टाइटल, कि आप क्या काम करते हैं।
ठीक है, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे ऐड करता हूँ फोटो एडिटिंग। उस पर जाएंगे नीचे, तो आप क्या क्या स्किल है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फोटो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग, ठीक है, यहाँ पे आप ये 15 मैक्सिमम पॉइंट डाल सकते हैं कि आपको क्या काम आता है क्या नहीं आता है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे 2 करता हूँ, ये सिर्फ डेमो अकाउंट है। आपको जो चीज़ अच्छे से ऐड करनी है, अच्छे से प्रोफाइल पिक, प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक ऐड करना है, जॉब टाइटल अच्छे से लिखना है, टैक्स ऐड करने हैं, आपके बारे में थोड़ा बताना है, जैसे कि आप रिज्यूम या सीवी कुछ बनाते हैं तो आपके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अबाउट यू में जाके आपको आपके बारे में डिटेल्स सबमिट करनी है। तो यहाँ पे मैं जैसे कि ऐड कर देता हूँ आई एम ए प्रोफेशनल एडिटर फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, आपको आपके बारे में अच्छा लिखना है, जैसे कि आपने MBA करके रखी है और मैं फोटो एडिटिंग पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, देन मैंने ये सॉफ्टवेयर, मैंने फोटो एडिटिंग के कौन कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर करता हूँ, वो सॉफ्टवेयर का नाम देने आपको, वो वीडियो एडिटिंग कौन कौन से के अंदर करते हो वो नाम देने। तो ये जो है आपकी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है। ये मैं आपको फोटो एडिटिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप अगर आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, आपने पहले कहाँ काम कर रखा है, आपका एजुकेशन क्या है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, वो सारा आपको अबाउट यू के अंदर लिख के रखना है। अब जाएंगे नीचे, तो आपको लोकेशन है वो दे देनी है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं उदयपुर से हूँ तो मैं उदयपुर लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये भी चीज़ आपको जो है अच्छे से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पे आपका रेट देना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ USD के अंदर। ठीक है, अब आपका रेट क्या होगा पर आवर काम करने का, 1 घंटे का आप कितना चार्ज लेंगे। मान लो आपके फोटो एडिटिंग का काम आया, उसने आपको 5 फोटो एडिटिंग का काम दिया। अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज काम देती है, ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल के अंदर पिक्सार्ट के अंदर काम कर लिया और निकल गया, ऐसा नहीं होना। अगर आप प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं, अच्छे खासे फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छे खासे लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो मैं आप चाहो तो $10 रखो, $10 मतलब कि होता है अपने इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 800 रुपये के आसपास। ठीक है, 75 रुपये पैसे डीजिए। तो अगर आप चाहो USD के अंदर करना, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे मान लो अभी के लिए $5, आप भी 5 ही रखना, मैं बोलता हूँ 4 रखना। रीज़न क्या है कि आप अभी स्टार्ट हो, आपका पोर्टफोलियो तगड़ा नहीं बना हुआ, अगर आप पहले से काम करके रखा है कहीं और तो आप अच्छे खासे प्राइस रख सकते हो, $30 रखो, $20 रखो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका पोर्टफोलियो भी आप पे अपलोड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप प्राइस आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे $5 रखता हूँ और इस एप्लीकेशन को सबमिट करता हूँ। नॉट 6 डॉलर से ज़्यादा नहीं रख सकते, नीचे नहीं रख सकते, ठीक है 7 रख देते हैं। अब सबमिट एप्लीकेशन करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो प्रोफाइल वो सबमिट हो चुके हैं। यहाँ पे आ रहा है हाउ वुड यू लाइक योर एप्लीकेशन टू बी प्रोसेस्ड। ठीक है, अब फास्ट के अंदर जाएंगे आप तो आपको 10 देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, लेकिन अगर आप बेसिक में जाते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री है तो मैं इसको भी क्लिक करूँगा, आप भी ये क्लिक करिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 3 से 4 दिन के अंदर आपकी प्रोफाइल को अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अप टू 7 वर्किंग डेज फॉर अप्रूवल टाइम, या मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसी आप यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे आ जाएगा योर एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू, और अगर आपने प्रोफाइल अच्छे से सबमिट की है तो कुछ इसमें लोड ही नहीं है, आपका एप्लीकेशन इजीली अप्रूव हो जाएगी। इस तरह से आपको पीपल पर और के ऊपर अप्लाई करना है अगर आपको यहाँ से फ्रीलांसिंग का वर्क करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो जैसे कि आपने आज के वीडियो के अंदर देखा कि आप किस तरह से इजीली पीपल पर और के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ से किस तरह से आप काम ले सकते हैं। अगर आपको ऐसी ऑनलाइन अर्निंग की टिप्स ट्रिक्स और गाइडेंस चाहिए और मेक मनी ऑनलाइन की फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।